अहम खबर देंगे आपको। PP7 में वोटों की दोबारा गिनती का जो फैसला महफूज किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो सुना दिया गया है। दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। PTI उम्मीदवार ने यहां पर दरखास्त दी थी PP7 में 21 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती की और इस पर फैसला महफूज किया गया था, लेकिन यह दरखास्त इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी है। 17 जुलाई को होने वाले जिमनी इंतखाबात जिसमें PP7 में बहुत छोटा मार्जिन था। जाहिद मशवानी से मजीद मालूम लेंगे। जाहिद मशवानी, आगाह कीजिए, किस बुनियाद पर यह दरखास्त मुस्तरद की गई है? इलेक्शन कमीशन ने महफूज सुना दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फरीकीन की मौजूदगी में कोर्ट रूम में आकर ये फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुजार जो है वो अपने दरख्वास्त की उसमें कोई वाज़ेह सबूत और दलाइल शवाहिद पेश नहीं कर सके, ना तो कोई इस दरख्वास्त के साथ ये वाज़ेह हुआ है कि यहाँ कोई धांधली हुई है या कोई मिसमैनेजमेंट हुई है, और दोबारा गिनती के उस हवाले से जो उनका मौकिफ है या जो दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है ऐसी कोई शवाहद नहीं मिले। फरीकैन इस मौका पर मौजूद थे और इंतजार था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के दीगर अरकान आए और ये फैसला सुनाए। कर्नल शबीर अवान, रिटायर्ड कर्नल जो PTI के उम्मीदवार थे, उन्होंने 21 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा रिपोर्ट काउंटिंग की दरख्वास्त की थी कि वहाँ पे दोबारा जो है वो गिनती की जाए। तो हम उनकी दरख्वास्त पर जो फैसला था महसूस किया गया और राजस्थानी नून लीग उम्मीदवार इस हल्के से जो जीते हुए उम्मीदवार थे वो भी यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने इनकी दरख्वास्त के हवाले से कहा था कि बेबुनियाद है, और आज जब ये फैसला महसूस सुनाएगा तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने मुख्तसर चंद जुम्मे का हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू करें, नाज़रीन को ये पहले सुनवाते हैं। निपटारी है हमारे खिलाफ, बिल्कुल बायस्ड है। PP7 का जीता हुआ इलेक्शन, इसको पहले तो जो PP7 के हाथ के आरओ हैं उसने हर हद पार की। इलेक्शन डे से हमारी हर दरख्वास्त रिजेक्ट की, हमारे हर जायज़ हक को उन्होंने सल्ब किया। इलेक्शन का कानून है कि अगर 5% से कम रिजल्ट में फ़र्क हो तो वो हक होता है कैंडिडेट का कि वो रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई करे। हमारे उम्मीदवार ने तो सिर्फ 21 पोलिंग स्टेशन पे था रिकाउंटिंग का, तो अगर कोई दो नंबरी नहीं है, अगर कोई फ्रॉड नहीं है, तो क्यों हमें हमारे बुनियादी कानूनी हक से हमें डिनाई किया जा रहा है? और आज हमारे वकला ने वो तमाम हकायक बताए कि हम क्यों रिकाउंटिंग चाहते हैं, वो तमाम कानून की शिकें बताएं कि हमारा जो विक्ट्री का मार्जिन जो आरओ ने ज़बरदस्ती किया है वो 5% नहीं, 1% नहीं, 0.1% भी नहीं है। इस वक्त जो आरओ ने सारी जानबदारी करके भी जो नून लीग के उम्मीदवार को विक्ट्री शो की है वो 49 वोटों की है। अभी जो कंसोलिडेशन का प्रोसेस है उसमें वो भी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन जो है ये वाज़े जानबदारी कर रहा है और पता नहीं किसके ऑर्डर हैं। कोर्ट में तो हमें ये लगा था, दलाइल में तो ये लगा था कि वो हमारे हक में फैसला देंगे, तो ये जो कुछ भी हुआ, आरओ ने हमारी दरख्वास्तें रिजेक्ट की बग़ैर हमारे कैंडिडेट के वकला को सुने हुए रिजेक्ट की, और ये तो थी आज का फैसला। अभी हमने ये फैसला किया, हमारी लीगल टीम मशावरत के बाद हाई कोर्ट में जाएगी और इंशाल्लाह ये सीट PTI की है, हम जाने नहीं देंगे। मैं आज के इस प्लेटफॉर्म से मीडिया के ज़रिए लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन ने इतनी आंखें बंद की हुई थी कि 2 दिन पहले, हालांकि इलेक्शन के रूल्स में जिस ज़िले में इलेक्शन होता है वहाँ कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो सकती, CO एजुकेशन जो इसका मरकजी किरदार होता है पोलिंग स्टाफ को अपॉइंट करने में, CO एजुकेशन जो साउथ पंजाब का था, इलेक्शन से ठीक 2 दिन पहले 14 तारीख को उसको ट्रांसफ़र करके हल्का PP7 से कोटा से एक बंदे को CO एजुकेशन लगाया गया जो बड़ा वाज़े तौर पे हमारे PTI का मुखालिफ था, और उसको लगाने के बाद सारा अमला कोशिश किया गया के लोकल लगाया जाए, तो वो सारा रिगिंग हुई इलेक्शन डे पे। इसके बावजूद हम जीत गए, हमारा कैंडिडेट 3,500-4,000 की वोट से जीता हुआ है। आज भी अगर उस रिगिंग वाले रिजल्ट को भी फॉर्म 45 को जमा करें, हम 400-500 की लीड उनके मुताबिक भी हमारी है, लेकिन हमारे
जो उम्मीदवार है, हमारा जो जीता हुआ कैंडिडेट है, इसको इसके बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है। तमाम कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और बड़ा वाजे मैं पाकिस्तानियों को मैसेज देना चाहता हूँ कि ये आज का इलेक्शन कमीशन वाजे तौर पे नहीं चाहता कि पीटीआई जीते और नून लीग के हारे हुए उम्मीदवार को ज़बरदस्ती से जिताने की कोशिश की जा रही है। तो हम इंशाल्लाह आज ही हाई कोर्ट में मूव करेंगे और एक एक जो धांधली का पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करेंगे। शुक्रिया। कोई सवाल पूछना? सवाल पूछे बताएं। थैंक यू। असल में बात यह है कि मुझे अफसोस ये है कि PP7 के जो अवाम हैं उनको अके नुमाइंदगी से महरूम किया जा रहा है। बात यह है कि PP7 के अवाम चाहते हैं कि कर्नल शब्बीर अवान उनकी नुमाइंदगी करें, लेकिन ये सारा जो कुछ आपके सामने हुआ ये अवाम का हक को मारा गया है और इंशाल्लाह हम आखिरी हद तक लड़ेंगे अपना हक लेने के लिए। थैंक यू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सद्दाकत अब्बासी दीगर के साथ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका यह कहना था कि कानूनी अमल से इनकार किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने जानबदारी दिखाकर नून लीग उम्मीदवार को कामयाब करवाया। हमारे उम्मीदवार ने सिर्फ 21 पोलिंग स्टेशन पर रिकाउंटिंग का हक मांगा था, लेकिन हमारी हर दरख्वास्त मुस्तरद की गई, हर जायज़ हक को सलब किया जा रहा है। और उनका यह कहना था कि 1516 वोट हैं जो कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद किए थे इस इलेक्शन में PP7 रावलपिंडी के, और इसी पर रुजू किया गया था उम्मीदवार शब्बीर अवान की जानब से हाई कोर्ट से। तो अब इलेक्शन कमीशन से जो रुजू किया गया था, फैसला महफूज किया गया था, उसमें बताया जा रहा है कि दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूक जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY News पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।